अस्सलाम वालेकुम। आज भिंडी मसाला बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल को अच्छा गर्म करने पर मैंने भिंडी को है ना सिर्फ बीच में से एक स्लिट मार लिया था। छोटी छोटी सी भिंडी थी, अगर बड़ी भिंडी है तो आप बीच में से हाफ़ करके भी स्लिट मार सकते हो। बस उसे ऑयल में डाल दिया, गर्म ऑयल में डाल दिया, उस पर नमक डाल दिया और उसे अच्छे से फ्राई होने दिया। एकदम कलर चेंज कर देती है और बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती है। अच्छे से फ्राई होने के बाद हमें उसे एक अलग डिश में निकाल लेना है। और उसके बाद मैंने अनियन और टमाटो को पीस लिया था, बारीक पीस लिया था, कच्चे या बिना पकाए ऐसे कच्चे मैंने पीस लिया था। और वही ऑयल जो बचा हुआ ऑयल था उसमें मैंने ये डालकर अच्छे से सौते होने दिए। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से सौते होने के बाद फिर हम इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, तीनों भी मसाले जो कॉमन हैं वही डालने हैं। उसके बाद उसे अच्छे से मिक्स 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 करना है। फिर आमचूर पाउडर डालना है, खटास के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हो या इमली का पल्प भी डाल सकते हो। उसके बाद ये अच्छा सूखा हो जाएगा, दिखेंगे आपको कि बहुत अच्छा सूखा हो गया। उसके बाद ही पानी ऐड करना है, जितनी हमें जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए वैसा ऐड करो। नमक देख लो टेस्ट करके, क्योंकि हमने पहले नमक डाला था, लास्ट में थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने डाला। उसके बाद भिंडी ऐड कर लेनी है उसमें फ्राई वाली, उसको अच्छे से मिक्स करना है और ऑयल ऊपर एकदम अच्छे से आ जाएगा। लास्ट में गरम मसाला ऐड करना है और बहुत अच्छे से ऊपर ऑयल भी आ जाता है, कंसिस्टेंसी एकदम बराबर है, ना ज़्यादा पतली है ना गाढ़ी है। आप पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, राइस के साथ खाएं, बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी भी लगता है। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी आपको अगर कोई और रेसिपी देखना है तो आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।